हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे अनुपमा की। और अनुपमा में हमने देखा कि अनुपमा जो है ना, उन्होंने वादा किया है कि भाई वो रहे या ना रहे वाली बात है, लेकिन वो जो है ये स्पाइस एंड चटनी जो उनका है रेस्टोरेंट, उसको बंद नहीं होने देंगी और जिसने भी उन ये किया है उसको सामने लेकर आएंगी। तो चलें इस पे बात करते हैं। हाँ जी विजीता जी, तो अनुपमा के साथ इतना कुछ हो गया। हमने देखा कि उनको मतलब जिस तरह से वो पत्थराव हुआ है, सब चीजें हुई हैं, और उसके बाद भी वो जब जिस तरह से वो जा रही हैं और वो वादा कर रही हैं कि वो सच को सामने लाएंगी, उस इंसान को सामने लाएंगी जिसने उनके साथ ये किया है, जिसने जिसकी वजह से ये सब बंद हुआ है, तो क्या बोलेंगे आप? यूजुअली क्या होता है ना, देर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन अनुपमा हैज बीन एट फॉल्ट. यहाँ पे उनसे एक गलती हुई है. जिस दिन उनके रेस्टोरेंट में नॉन फूड क्रिटिक वॉज कमिंग, उस दिन उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ. उनका ध्यान भटका एंड दिस एंटायर हादसा हो गया. सो दैट इज हर मिस्टेक. उनसे वहां पे उनकी एक चूक हो गई थी जिसकी वजह से वो आज ये भुगत रही है. बट अदर देन दैट, जितना भी उनको ब्लेम किया जा रहा है, आई थिंक इट इज जस्ट नॉनसेंस. चाहे वो यशदीप हो, जिस तरीके से वो भी ब्लेम कर रहे हैं ना, जैसे व्हेन शी कम्स प्रीकैप में दिखाया हमें कि वो आ रही है उनसे मिलने एंड शी इज प्रॉमिसिंग देम दैट शी फाइंड आउट द कल्प्रिट, शी विल गेट द रेस्टोरेंट ओपन. मगर ही इज नॉट रेडी टू लिसन टू दैट. उनका अलग ही रोना चल रहा है कि कैसे होगा, ये होगा एंड ऑल. मतलब वो एक अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए एक पार्टनर में, एक बिजनेस पार्टनर में, वो उनकी तरफ से नहीं दिख रहा है. आई अंडरस्टैंड ही इज इमोशनल, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट था, अनुपमा में उसको पार्टनर बनाया था बिकॉज शी वन द सुपर स्टार शेफ एंड ऑल दैट. बट इट डजेंट मेक सेंस दैट आप अपनी ही गलती उनके ऊपर क्यों डाल रहे हो. यू नो द थिंग्स दैट यू हैव डन, शी वन द सुपर स्टार शेफ, इसलिए तो आपको आपने पार्टनर बनाया, वरना बनाते पार्टनर. फिर वो डिसीजन आपका था, तो आप अनुपमा को क्यों ब्लेम कर रहे हो. जो लोन की बात की है, उन्होंने एक लोन लिया था सेकेंड रेस्टोरेंट खोलने के लिए, वो भी उन्होंने अनुपमा के ऊपर डाल दिया. तो व्हेन थिंग्स आर ऑलरेडी टफ, अभी उभर के आ ही रहे हैं आप लोग, तो फिर आपने दूसरा ये सारी चीजें अपने ऊपर क्यों लिया एंड व्हाई आर यू ब्लेमिंग अनुपमा फॉर इट. तो जो भी यशदीप का एक रवैया है, आई अंडरस्टैंड द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इट, क्योंकि ये उनका फैमिली रेस्टोरेंट है, उनके भाई का सपना है एंड ऑल दैट. बट जिस तरीके से वो हर चीज अनुपमा के ऊपर डाल रही है और अनुपमा ले भी रही है, तो वो सारा देखना वॉज लिटिल डिसअपॉइंटिंग. बट यस, उसका जो स्पिरिट है दैट शी वॉन्ट्स टू फाइंड आउट हु डिड ऑल दिस एंड शी विल नॉट रेस्ट, दैट्स द वे टू गो. क्योंकि रोके या कोस के कुछ नहीं होने वाला है. Nobody is going to come and help her out. उसको अपनी मदद खुद करने पड़ेगी एंड दैट इज समथिंग आई थिंक शी इज लर्नड इतने सालों में. उसने वो तो सीख ही लिया है कि कोई नहीं आता है आपकी मदद करने के लिए, आपको खुद ही करना होता है. तो लेट्स सी वो कैसे करती है, हाउ शी इज गोइंग टू फाइंड द कल्प्रिट एंड हाउ ये जो मैटर है इसकी तह तक पहुंच पाती है. पहुंच पाती है तो क्या होता है, बाकियों को उनका उनकी जो गलती है वो रियलाइज होता है कि नहीं, क्योंकि इतना तो सबको पता है कि ये अनुपमा का करा नहीं है. समबडी इज ट्राइंग टू फ्रेम हर, बट स्टिल वी आर नॉट रेडी टू गिव हर दैट बेनिफिट ऑफ डाउट, या वो जो एक थोड़ा सा बोल सकते हैं ना कि लीवे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ध्यान रखना चाहिए था. तो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग तो होगा क्योंकि अपने बेगुना ही साबित करने वाली जो ट्रैक होती है वो हमेशा से इंटरेस्टिंग ही रहता है. आई जस्ट होप दे डू इट वेल. लेट्स सी, देखने वाली बात है. और अगर आपको हमारा ये छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम आए या हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें अनुपमा ऑन स्टार प्लस. बाय बाय. हाय, दिस इज आकाश आहूजा एंड दिस इज निहारिका चौकसी एंड यू वाचिंग अस ऑन ग्लिट्स विजन यूएस. ए